जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अडॉल्फ सीएपीएफ बाय सिव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, बेल आइकन का बटन इसलिए कि फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है या उनके एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस पर मिल सके। इसलिए दोस्तों, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि एसएसबी में जो मेडिकल किस हिसाब से लिया जाता है, क्या क्या स्टेजेस होती है, किस टाइप से मेडिकल यहाँ पे किया जाता है, पूरा ब्रीफली मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कंसाइज में नहीं बताऊंगा, पूरा ब्रीफली आपको यहाँ पे चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएसबी के जो सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशंस वगैरह हैं और जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशंस हैं और भी वैकेंसीज हैं अदर और कांस्टेबल्स की जो वैकेंसीज हैं, तो उनका दोस्तों अगला जो प्रोसेस है, ठीक है, मेडिकल का रहने वाला है और जो कांस्टेबल ट्रेडमैन का है उनका जो प्रोसेस है वो टेट टेस्ट का रहने वाला है। तो टेट टेस्ट की भी मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा और बाकी अगर आप देखना चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पर मैंने टेट टेस्ट के बारे में बता रखा है कि किस हिसाब से जो आपका जो टेट टेस्ट है हर किसी का अलग अलग किस हिसाब से होता है, चाहे वो वाशरमैन का है, चाहे वो वेटर का है, चाहे वो ड्राइवर का है, किसी भी टाइप का। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि सारी चीजें इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस हिसाब से जो मेडिकल स्ट्रक्चर होता है एसएसबी का, क्योंकि जो अगली प्रोसेस है आपकी मेडिकल की होने वाली है और जैसा भी मेडिकल लिया जाता है वो किस हिसाब से लिया जाता है, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है दोस्तों, सारे वीडियो में ये सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको आईज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, सेकंड और बाद में देखते हैं, जैसे जैसे आता रहेगा उस हिसाब से मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, और जैसा हमारे साथ भी होता है कि जो पहला है कि क्या क्या चीजें का जो है किस इस टाइप से मतलब चीजों को देखा जाता है, ये प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो आई का टेस्ट है, यहाँ पे जो आईज का टेस्ट है आपका होता है, अगर आपकी सही आईज है तो 6x6 कोई भी आई एंड 6x9 सेकेंड आई, फर्स्ट आई और इस सेकेंड आई, इस हिसाब से आपका होना चाहिए अगर आपका मेडिकल फिट आपको कहलाना है। ठीक है, अगर आपकी आई साइड ठीक है तो आपका जो मेडिकल है स्टैंडर्ड में आपकी एक आई 6x6 होनी चाहिए और एक आई 6x9 होनी चाहिए, या फिर 6x6 भी, अगर दोनों आई 6x6 है तो ये वेल एंड गुड है। ठीक है, वेल एंड गुड। बाकी अगर दूसरी आई 6x9 है तो भी ठीक है, ठीक है, तो भी आपका मतलब पॉइंट है वो नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं जो आई साइड है आपकी वो किस हिसाब से चेक की जाती है, आई में क्या क्या पार्ट चेक किए जाते हैं, किस हिसाब से क्या क्या चीजें होती हैं। तो आईज में दोस्तों सबसे पहले आपके सामने एक लाइट का एक डिब्बा टाइप का रहता है, ठीक है, जो मतलब आई साइड मतलब आपके यहां से कम 10 या 12 फुट की दूरी पे रहेगा। आप जहां रहोगे, जैसे यहां खड़े हो तो वहां से आपकी आंखों से 12 फुट दूरी पे वो रहेगा डिब्बा, उसमें लाइट जला दी जाएगी और उसमें दोस्तों ABCD लिखी रहेगी। ठीक है, जैसे आपको मैं बता देता हूं, AOH HVT VOTH, ठीक है, HUTAB, इस हिसाब से ये चीजें उस डिब्बे में लिखी रहेंगी और फिर आपको उन चीजों को पढ़ना है, AOH HVT VOTH HUTAB, इस हिसाब से आपको ये चीजें पढ़नी है। पहले क्या करेंगे वो दोस्तों, एक गत्ता टाइप का रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक तरह से ले लेता हूं कोई भी बुक, जैसे आपको आंख को नहीं रखना, आंख पे ऐसे इस हिसाब से आपको हथेली को नहीं रखना है। ठीक है, अगर वो कहते भी हैं कि भाई अपने आंख पे मतलब रख लीजिए तो इस हिसाब से अपने हथेली को बनाएं और इस हिसाब से अपने आंख पे रखें, क्योंकि दोस्तों हम इस हिसाब से अगर आंखों पे रखेंगे तो क्या होता है कि दूसरी जो आईज है हमारी उससे हमें झल्लड़पन दिखने लगता है। ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से साफ नहीं दिखता है, तो या फिर वो आजकल क्या है, एक पट्टे का यूज करते हैं, उस हिसाब से लगा लेते हैं ये पट्टे को, उस हिसाब से फिर आपको वो रीड करवा देते हैं सामने वाला। जैसे हाँ भाई ये क्या है, वो आगे ध्यान देना, पहले क्या होता था वो डायरेक्ट पढ़वाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट ये कहते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, वी,
ये क्या है एच, ये क्या है एच, ठीक है, मतलब डॉक्टर साहब हैं जो वो वहां पे खड़े रहेंगे और आप इधर खड़े रहेंगे और वो आपको इंडिकेट करेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उस हिसाब से आपका आई टेस्ट वो लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आई टेस्ट के बारे में, ऐसे ही इस आईज का, वैसे ही इस आईज का, वो आपका दोनों आईज का टेस्ट यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आपकी ये हो गई कि आई टेस्ट आपका उन्होंने ले लिया। अब दोस्तों सेकंड जो है आई टेस्ट में दोस्तों, वो आपका क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो ये पेन है इसको देखो, ठीक है, आपके तरफ वो ऐसे हिसाब से इस पेन को करेगा, ठीक है, और आपकी आईज को वो थोड़ा सा देखेगा कि कहीं आईज में कोई फर्क तो नहीं है, मतलब जैसे कोई ये आईज अगर इधर कर रहा है कहीं वो इधर तो नहीं घूम रही, मतलब आंखों में कोई इधर उधर का कोई फेर तो नहीं है, इन चीजों को वो देखने वाला है। अगर इन चीजों में फेर हुआ तो वो आपके आई साइड पे पॉइंट बना देगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों फिर वो क्या करते हैं, जो नियरेस्ट का जो पॉइंट है, मतलब नियरेस्ट आपके इस हिसाब से एक बुक सी रहती है, मतलब एक छोटा डिब्बा रहता है उसी टाइप का, उसमें भी जो है आपके इसी हिसाब से एबीसीडी लिखी रहती है, उनको वो पढ़वाते हैं, इसी हिसाब से रीड करवाते हैं, यहाँ पे ऐसे रखा फिर आपने पढ़ा जी ए आर ए डी, ऐसे इसी हिसाब से फिर इसमें पढ़ना पड़ता है। वो देखते हैं कि निकट की जो पास की जो आईज है वो तो वीक नहीं है, आपके पास पास की जो डिस्टेंस विजन है वो तो मतलब खराब नहीं है, या दूर की डिस्टेंस विजन है वो तो खराब नहीं है, ये चीजों को वो नोटिस करते हैं, ठीक है। तो ये आई टेस्ट हो गया, और सेकंड आई का आपका वो इंडिकेशन, इंडिकेशन करते हैं वो इस हिसाब से, दो तीन जगह देखते हैं इस हिसाब से। उसके बाद है दोस्तों आपका देखते हो जो आई ब्लाइंड, आई ब्लाइंडनेस, तो आई ब्लाइंडनेस जो देखते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, एक कलर विजन टाइप का वो करते हैं, कलर विजन, एक कलर विजन की एक बुक आती है छोटी सी, उसमें क्या होता है कि आपके वो डॉटेड लगे होते हैं, ठीक है, तो डॉटेड इस हिसाब से होते हैं दोस्तों, जैसे इसमें एट लिखा रहेगा, ये डॉटेड है, डॉटेड जैसे रेड कलर में होंगे और ये जैसे येलो कलर में होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा ये क्या लिखा हुआ है, आठ लिखा हुआ है इस हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या है, ये जो कलर वो है कलर विजन, वो चेक की जाती है कि भाई इसको कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ठीक है, इस हिसाब से वो आप चेक कर सकते हो अपनी आईज का, ठीक है, ये होती है आईज की, या फिर आईजों को देखा जाता है कि कोई लालामी वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और दोस्तों एक मैं आपको एक चीज भी बता देता हूं, अगर जिसकी आई साइड वीक है, जो चश्मे वगैरह अभी पहनते हैं, तो चश्मे वाले बच्चे तो खैर बाहर होंगे ही, तो उनके लिए सबसे ज्यादा आजकल जो चला हुआ है वो एक लेजर सर्जरी चला हुआ है, तो आजकल जो बच्चे हैं वो लेजिक सर्जरी करवा रहे हैं, ठीक है, और फिर अपना जो मेडिकल है वो मेडिकल में जा रहे हैं, तो वो भी मतलब फिट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये चीजें हम किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि भाई हमने ये कराया है, ठीक है, चुपचाप जाना है, चुपचाप अपना काम करना है, ठीक है। तो लेजर भी हो रहा है आजकल, जो भी मतलब अगर भर्ती होना चाहता है उसकी आई साइड वीक है ज्यादा, तो वो लेजर सर्जरी भी यहाँ पे करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आपके आई साइड के बारे में, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका आई साइड का मैंने बता दिया है। अब है दोस्तों सेकेंडली आपका जो फेस, फेस में अब आपका आया, फेस में ईयर में देख लीजिए, अभी ईयर का मैं बता देता हूँ, कान, कानों का, ईयर्स का किस हिसाब से होता है चाहे, तो दोस्तों ईयर को आपके देखते हैं वो आपके एक मशीन टाइप का होता है, मशीन को यहाँ पे अंदर से डालते हैं और देखते हैं कि कोई पर्दा तो फटा नहीं है या कोई दाग तो नहीं है, ठीक है, जैसे किसी का ब्लैक दाग होता है, ठीक है, या कोई पर्दा जैसे फटा हुआ होता है, तो उस मशीन से वो सारी चीजें दिख जाता है कि भाई पर्दा तो फटा नहीं हुआ है या वैसे, तो उसमें भी दोस्तों वो आपको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी है, इसका भी ध्यान रखें, बाकी दोस्तों इसका भी थोड़ा पर्दे का भी थोड़ा ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है, बाकी ऑपरेशन आपका थोड़ा समय पहले हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भैया साथ के साथ कराया और साथ के साथ आप ले गए, उससे क्या है फिर वो पहचान जाते हैं। कोई भी ऑपरेशन है उसकी लिमिट है 6 महीने, तो मतलब 6 महीने जो है ऑपरेशन, वो 6 महीने के बाद मतलब वो आपका दिखता भी नहीं है, और इस हिसाब से आपका थोड़ा रिबेट भी है, मतलब रिलैक्सेशन भी है 6 महीने तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेजर का तो खैर दिखता नहीं है, लेजर का तो पता नहीं लगता, लेकिन जो है कान का थोड़ा पता लगता होगा, जो भी चीरा वगैरह जो भी लगता होगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है आपका, वो थर्ड पॉइंट आपका जो है फेस स्ट्रक्चर है, आपका जो फेस स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, जैसे कि नोज, फेस स्ट्रक्चर पे जैसे नोज,
तो नोज को आप तो देखेंगे दोस्तों कि नोज आपकी बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी तो नहीं है, या अंदर से इस हिसाब से आपकी नोज के इस हिसाब से देखते हैं कि टेढ़ी तो नहीं है कहीं अंदर से, ठीक है। और फिर आपका जो मुंह का स्ट्रक्चर है वो भी देखते हैं, कहीं जैसे किसी का मुंह इधर उधर होता है या ऐसी चीजें तो नहीं है, ठीक है। मुंह का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो भी हड्डी वगैरह है, इन चीजों को वो थोड़ा सा नोटिस करते हैं ऐसे ऐसे करके या ऐसे। और उसके बाद दोस्तों नेक, ठीक है, नेक नेक को देखते हैं, नोज हो गया, नोज को देखते हैं, मतलब कहीं हड्डी बड़ी हुई तो नहीं है नोज की इस हिसाब से। फिर नेक को ऐसे करवा के देखते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है, ऐसे करो, इस हिसाब से करो, कहीं गर्दन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर इस हिसाब से करो। तो गर्दन की भी थोड़ी सी मतलब तीन चार चीजें वो मूवमेंट कराते हैं जिससे पता लगे कि गर्दन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ है आपका जो डेंटल, ठीक है, आपके टीथ के बारे में है। तो दोस्तों आपके जो टीथ हैं वो 28 होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे बच्चे कि भाई कोई तो दाढ़ों को खड़वा लेता है, बस सीधी सी बात है, दाढ़ अगर उखड़वा भी रखी है आपने तो 28 आपके टीथ होने चाहिए, और टीथों के भी नंबर होते हैं वहां पे। अगर किसी के टीथ में अगर कीड़ा वगैरह है तो घबराए ना, उसको फिलिंग करवा लें आप, और बिल्कुल फिल करवा के आप बेशक से जा सकते हैं, फिलिंग पे आपका कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। दांतों का जो होगा आप फिलिंग करा सकते हो आराम से, फिलिंग करवा के और थोड़ा क्लियरिटी करा के, ठीक है, क्लियर करा के थोड़ा साफ सुफ करवा के तब आप जाएं, आपका कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और दोस्तों कान का भी ध्यान रखें, कान अगर आपके मैले हैं तो पहले कानों को साफ करवा लें, देन उसके बाद वहां पे आप मेडिकल के लिए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों पूरा फेस के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बताता हूं कंधों के बारे में, चेस्ट या फिर जो भी है शोल्डर, शोल्डर्स, ठीक है। तो शोल्डर है दोस्तों, कई बार क्या होता है किसी का शोल्डर इस हिसाब से रहता है, किसी का इस हिसाब से रहता है, इस हिसाब से कुछ अंदर की तरफ रहता है, तो वो यहाँ पे वो थोड़ा चेक करते हैं कि भाई तो शोल्डर का जो स्ट्रेंथ है वो ठीक है या नहीं है, कहीं टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं है, तो शोल्डर की स्ट्रेंथ भी वहाँ पे चेक करते हैं। जो चेस्ट वगैरह ये भी है, जो यहाँ की हड्डियाँ होती है वो भी ये चेक करते हैं कि कोई हड्डी ऐसे तो बाहर निकली नहीं हुई है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह या कोई कोई मेजर मेजर जो है ऑपरेशन तो नहीं हो रखा है, ये चीजें भी वो नोटिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ के बारे में। उसके बाद दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको हैंड्स के बारे में, ठीक है, हैंड्स के बारे में मैं बताता हूँ, हैंड्स की जो प्रोसेस है वो क्या क्या करवाते हैं। देखो दोस्तों हैंड्स में आपको इस हिसाब से हैंड्स कराएंगे, उसमें आपका जो ये भाग है वो ये देखेंगे कहीं से ये मतलब टूटा हुआ तो नहीं, कईयों का क्या है इस हिसाब से ऊपर हो जाता है, ये ऊंचा भाग होता है तो उस पर भी पॉइंट बना देते हैं, कईयों का टूटा हुआ रहता है उस हिसाब से पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, इस हिसाब से कराते हैं और फिर इस हिसाब से भी वो करवाते हैं, देखते हैं कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, किसी का भागा हुआ रहता है कोई इधर भागा हुआ रहता है, क्योंकि जो जिसका कोई बचपन में एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या मतलब कभी भी एक्सीडेंट हुआ है तो उससे उसे उन्हें पता लग जाता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीजों को वो नोटिस करते हैं कि ये उठा हुआ तो भाग नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब आती है हथेलियों के बारे में, हथेलियों को देखते हैं वो ऐसे एंकल को इस हिसाब से करवा के देखते हैं, ठीक है, कि कुछ है तो नहीं। और उसके बाद दोस्तों अपने जो हाथ हैं उनको इस हिसाब से करवाते हैं और देखते हैं कि ऐसे ऐसे तो नहीं कांप रहा है, इस हिसाब से थोड़ी देर तक करवाते हैं, कोई बहुत से बच्चों का ऐसे ऐसे कांपने लगता है तो उसका भी वो कई बार नॉर्मल पॉइंट बना देते हैं। उसके बाद है उनका जैसे अगर इस हिसाब से देगा उंगलियों को वो चेक करते हैं कि उंगली कोई टूटी हुई तो नहीं, ठीक है, इस हिसाब से कोई टूटी हुई नहीं है इस हिसाब से, या फिर किसी का इस हिसाब से ये उंगलियां मुड़ी हुई तो नहीं है, इन चीजों को भी नोटिस करते हैं, ध्यान दे लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हाथों को अगर हम ऐसे बंद करेंगे तो क्या है कि हाथ में थोड़ी देर वो बंद कराते हैं जिससे हाथों में देखते हैं कि कई बच्चों को पसीने आ जाते हैं, पसीने की जो प्रॉब्लम है ये भी एक तरह का पॉइंट है, वो पॉइंट इसमें भी आपका बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला है ये हो गया आपका हाथों के बारे में, ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ जो पैर होते हैं आपके फ्लैट फुट का पॉइंट भी कई बार बना देते हैं, किसी का पैर इस टाइप का होता है, ठीक है, जो फ्लैट फुट होता है किसी का फुट इस टाइप से होता है, ठीक है, तो ये एंकल जो इस हिसाब से जो गैपिंग बनाता है इस हिसाब से जो रहता है वो उसको सही माना जाता है और फ्लैट फुट इस टाइप का बोला जाता है,
ठीक है, जो फ्लैट फुट है उस हिसाब का होता है, ठीक है। फिर आपकी जो एंकल, ये जो है पैरों की जो इस टाइप से, वो ऐसे हिसाब से कराते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जो भी टकना वगैरह है उसको देखते हैं। और जो आपका घुटना होता है दोस्तों, घुटना होता है, घुटने को देखते हैं, घुटने की कोई हड्डी वगैरह है या टूटी हुई तो नहीं है। और फिर दोस्तों आपका जो पैर है, पैरों की जो पोजीशन रहती है दोस्तों, वो क्या है, पैरों की जो पोजीशन होती है ये भिड़ती तो नहीं है बीच में से, जो घुटने हैं टकने हैं वो इस हिसाब से तो नहीं भिड़ते, वो थोड़ा सा मतलब गैपिंग आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, उनका जो है गैपिंग थोड़ा होना चाहिए। और फिर दोस्तों जो पीलिया पीलिया पिंडली होती है, ठीक है, जो मतलब अगर देखा जाए तो जैसे ये है, ठीक है, इस हिसाब से जैसे पैर होता है ना, तो यहाँ की जो पिंडलियां होती हैं, यहाँ पर किसी को नर्व जो जो उसकी मांसपेशियां हैं, मतलब जो नस वगैरह है, खड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये भी एक तरह की प्रॉब्लम मानी गई है। यहाँ पे भी क्या है, वो पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा देर वो मतलब पंजे पे आपको खड़ा करवाएंगे, ठीक है, पंजे पे आप खड़े रहोगे, उसके बाद फिर देखेंगे कहीं आपकी ये जो पीछे की तरफ जो ये पेंड्रिया है, इसमें कुछ मतलब नस वगैरह तो नहीं चमक रही है, उन चीजों को भी वो नोटिस करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका भी वो पॉइंट बना देते हैं। बाकी दोस्तों प्राइवेट पार्ट है, जो प्राइवेट पार्ट है वो प्राइवेट पार्ट को भी आपका चेक करते हैं, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, ठीक है, एक बार मतलब गोली वगैरह जो भी है उनको थोड़ा टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि भैया जो है नॉर्मल है, ठीक है, मतलब दोनों का जो साइज है वो दोस्तों सेम है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ खांसी वगैरह भी करवा के आपको देखते हैं कि भाई सब चीज ठीक है नहीं है, ठीक है, क्योंकि कईयों को और भी चीजों की कई प्रॉब्लम। दोस्तों यहाँ पर क्या है, बीपी भी आपका चेक होता है, जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है वो भी आपका चेक होता है, अगर वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है या फिर लो है, तो वहां पर भी आपका पॉइंट दोस्तों बनाया जाता है, ठीक है। बीपी का मेनली ध्यान रखें, ठीक है, मतलब जब आप बीपी करवाते हो तो थोड़ा घबराए नहीं, ठीक है, तरीके से डील करें हर चीज को, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों सेकंड आपका आपका एक्सरे भी होता है दोस्तों, ठीक है, एक्सरे वगैरह होता है, देखते हैं भाई कोई यहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, बाकी आर्मी वगैरह में तो नहीं होता है, लेकिन पैरामिलिट्री में आपका एक्सरे भी होता है, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो भाई अपना पहले से जांच करा लेना कि आपको ये प्रॉब्लम है, और उसका संतुष्टि से अपना इलाज भी करा लेना, ठीक है, क्योंकि अभी तो दोस्तों समय है, फेब के लास्ट में ही होगा, ठीक है, जो मेडिकल है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, यहां पर आपका दोस्तों जो ब्लड टेस्ट भी होता है, तो दोस्तों ब्लड टेस्ट में आपका जो भी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती है, ठीक है, ये सारी चीज आपका मतलब जो ब्लड में है वो आ जाता है कि शुगर का लेवल तो ठीक है, ये है वो है, तो सारी चीज यहाँ पे आपकी ये देखी जाती है। तो ये था पूरा दोस्तों एक ब्रीफली, ठीक है, ब्रीफली एक मेडिकल का स्ट्रक्चर था कि किस हिसाब से आपका जो मेडिकल है वो लिया जाता है, ठीक है दोस्तों, पूरा ब्रीफली था ये। बाकी हाथ पैरों को थोड़ा सा इस हिसाब से करके, ठीक है, हर चीज से मतलब चारों तरफ इधर उधर करके भी देखा जाता है कि बंदे को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाहे घुटने की हो चाहे कोई हाथों की हो, तरीके से वो आपका पूरा मतलब जो है वेरीफाई करते हैं, ठीक है। बाकी एक तरह से अगर कहा ही जाए तो जो मेडिकल का लेवल है वो काफी अपर लेवल होता है, तो दोस्तों उसी हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन रखें, और कोई भी अगर आपको बीमारी है तो उसका पहले से ही ट्रीटमेंट भाई करवा लें, ठीक है, नहीं तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों आपका जो ब्लड टेस्ट वगैरह होगा या फिर एलएफटी वेलएफटी जो भी होगा, उसमें दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आप ज्यादा एल्कोहल का सेवन वगैरह ना करें, ठीक है, नहीं तो फिर आपका पॉइंट बनने का चांसेस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेडिकल के बारे में ये सारी चीजें थी, ठीक है, बाकी और भी कुछ आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीजें आपको कमेंट में ही बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद।